सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब अस्पताल के इमरजेंसी परिसर में भूमिगत नाले से अचानक गंदा पानी निकलकर इमरजेंसी के वार्ड में फैलने लगा। गंदे पानी से निकलते हुए बदबू से परेशान मरीज वार्ड छोड़कर भागने लगे। घटना विगत रात की है। बताया जाता है कि इमरजेंसी वार्ड में अचानक बाथरूम से निकले गंदा बदबूदार पानी देख मरीज और उनके परिजन परेशान हो गए। वहीं इस बीच संक्रमण के डर से कई मरीज के परिजन अपने मरीज को लेकर बाहर निकल गए। इस बीच मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल अधीक्षक सतीश कुमार सिन्हा भी इमरजेंसी परिसर पहुंचे और जल्द से जल्द नाले का पानी बाहर निकालने का निर्देश अस्पताल कर्मियों को दिया। वहीं मरीजों के परिजनों ने अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर खासी नाराजगी दिखाई। पूरा इमरजेंसी वार्ड में अब इमरजेंसी तो इमरजेंसी यही है। मान लीजिए इतना इमरजेंसी केस आ रहा है, पेशेंट है वो, और उसमें भी जो है यहाँ पे सेफ्टी के लिए रखा जाता है। तो क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं क्या हुआ? इमरजेंसी वार्ड में पानी भरा हुआ है। कहाँ का पानी है नहीं पता चला आपको? बाथरूम से फुल हो क्या रहा है? ये बाथरूम का पानी है। पेशेंट लेके आए हुए हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ से आए हुए हैं? नहीं भरा हुआ, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या है, मान लीजिए कि रात के, ये तो दिन की बात नहीं है, रात की बात है। ठीक है, अब दिन की बात होती तो दिक्कत होता तो चलो भाई सफैया होगा कि बाथरूम का पानी आ रहा है। हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपना घर पर बैठ के आराम कर रहा है। श्री सार्जन से फोन किया गया, अभी कपाल फाटा हुआ मरीज आया मोटरसाइकिल से घटा, उसको ना पानी लिखा गया ना कि, अब कह रहा है कि मैं मरीज बेहोश है, कह रहा है ठंडा पानी देना। ये आप वार्ड में पानी भरा, उससे आप लोग काफ़ी परेशानी हो रही है? परेशानी तो देखिए ना, परेशानी अभी मरीज के उधर कुछ जाने नर्स जाने के लिए तैयार नहीं है। पानी भरने के कारण? पानी भरने के कारण ये सब चीज़ है। साफ सफाई तो यह चौपट हो गया, जिन लोगों को ठेका दिया गया है वो लोग ने अपना ठेकेदारी पर 4,000 मजदूर को मजदूरी देते हैं, वो कभी काम आएगा करने नहीं आएगा कर, यही है जैसे सिस्टम है। ठीक है, पूरा लूट मचा हुआ है यहाँ पर सफाई के नाम पर, सिस्टम है। ठीक है।